क्या चुनौती दे रहे हैं। तीनों दल का जो नेता बिहार का कोई क्षेत्र चुन ले और कहे कि भैया हमको यहाँ हरा कर दिखा दे, उसको दिखा देंगे कि कैसे चुनाव लड़ा जाए। हमको किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अरे भाई, हमने 10 बरस काम किया है, हमने आपको गिनवाया, वही काम हमारी पहचान है, तभी ना आप यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ 15 महीना नहीं, 15 साल पैदल चल के आएगा तो कोई पत्रकार आएगा सुनने? आप भी इसीलिए आए हैं कि आपको मालूम है कि ये प्रशांत किशोर है, अगर ये प्रयास कर रहा है तो यहाँ ठोक कर जाएंगे सबको, चिंता मत कीजिए। तो क्या 2024 का चुनाव जो होने वाला है उसमें दलों पे प्रभाव पड़ेगा? हम जब चुनाव ही नहीं लड़ रहे तो आप नहीं लड़ रहे? आप सुन लीजिए बात, 2025 का चुनाव होने दीजिए, उसके बाद आप उनको खोजिएगा मिलने के लिए कि प्रभाव क्या पड़ा नहीं पड़ा। हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, लोग हमको जब चुनाव का परिणाम आता है तब खोजते हैं कि कौन है। जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आता है तो सब आदमी यही कहता है कौन है प्रशांत किशोर, तो बिजनेसमैन है, ये तो एनजीओ चलाता है, ये तो लैपटॉप चलाता है। और जब परिणाम आता है तो कहता अच्छा यही है प्रशांत किशोर, यही बिहार में भी होगा 25। इसको भी आपको लगता है ना कि जो बहुत बड़ा राजनीति का समझ है उसको भी प्राइवेट में जाकर पूछ लीजिएगा, जिसको दम हो बिहार में, जिसको भी दम है उसको खुली चुनौती दे रहे हो, खाली कह दे कि हमको भैया ये चुनाव हम लड़ेंगे प्रशांत किशोर के खिलाफ पूरा बिहार में, जिसको दम है कि हम आके सामने कहते हैं हम लड़ाते हैं, जरा जीत के दिखा दें, जिसको दम है, खुला चुनौती दे रहे हैं। तीनों दल का जो नेता बिहार का कोई क्षेत्र चुन ले और कहे कि भैया हमको यहाँ हरा कर दिखा दीजिए, उसको दिखा देंगे कि कैसे चुनाव लड़ा जाए। हमको किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हम यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, हम बिहार में अपना जीवन थका रहे हैं इस राज्य को सुधारने के लिए। सुधरे न सुधरे वो समय बताएगा। चुनाव को लेकर हमको बिहार के कुटपुतलिया नेताओं से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये बिहार में जो लोग नेतागिरी करते हैं इनके जो आकार है उनकी जब गाड़ी फंसती है तो हमसे सलाह लेने आते हैं। अब उनको हम बताएंगे चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, ये हमको बताएंगे।